सो पीयर रिव्यू चैप्टर के अंदर लेट अस से द इम्पोर्टेंट चेंजेस एंड इम्पोर्टेंट एडिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें कहानी के फॉर्म में दी हुई है, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। की पॉइंट्स ऑफ पीयर रिव्यू अपडेटेड फॉर मई 21 के अंदर आप देखोगे तो जनरली कहानी के फॉर्म में चीजें दी हुई है कि रिव्यूअर कौन है, प्रैक्टिसिंग यूनिट कौन है, पीयर रिव्यू बोल्ड कौन है, ठीक है। तो जनरली ये कहानी के फॉर्म में चीजें दी हुई है, आप रीड कर सकते हो, ज्यादा काम का नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड। तो अगेन पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर दिया हुआ है कि पीयर रिव्यू बोर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2002 एंड द स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू हैज बीन रिवाइज्ड इन अप्रैल 2020। तो जो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू है वो क्या है, रिवाइज हुआ है अप्रैल 2020 में, और इसी की वजह से ऑब्वियसली आपके सिलेबस के अंदर भी पीयर रिव्यू के अंदर चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है या फिर हम कह सकते हैं जो पीयर रिव्यू रिलेटेड गाइडलाइंस है उसको गाइडलाइन माना जाएगा अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। क्या मतलब हो गया इसका, याद करो व्हाट इज क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, दैट इज इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशंस और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ गाइडलाइंस देन द मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। तो बोला गया कि क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के पर्पस के लिए जहां पे गाइडलाइन शब्द यूज किया गया है वहां पे पीयर रिव्यू गाइडलाइंस भी इंक्लूड होंगी। यानी अगर एक काउंसिल के मेंबर ने स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में लिखी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा है तो वहां पे भी वो गिल्टी माना जाएगा एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रैक्टिसिंग यूनिट टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, अदरवाइज ही शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है और इसके ऊपर एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोरिलेटिंग विद द कोड ऑफ एथिक्स, सो मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगेन एक कहानी दी हुई है पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर्स, पीयर रिव्यू ऑफ अटेस्ट फंक्शंस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, फिर उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंस बताया पीयर रिव्यू का, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताया, ज्यादा काम का नहीं है, आप एक बार रीड कर सकते हो यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस क्या है कि आजकल जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी ऑडिट टेक्निक्स को इंप्रूव कर सके, अपनी कॉम्पिटेंस को वेरीफाई कर सके, राइट। देयर इज अ गैप बिटवीन what the society as a whole expects auditors to do and the what the auditors are actually performing. Society जो auditors expect कर रही है कि auditor इस तरीके से काम करे और auditor actually जिस तरीके से काम कर रहा है उसके बीच एक gap है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑडिटर के काम को रिव्यू किया जाए, ऑडिटर अपने सर्विसेज को सुधार सके एंड यू नो रेगुलर बेसिस में अपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके, राइट। अगर पीयर रिव्यू होता है तो ऑडिटर के लिए क्या बेनिफिट है कि अगर ऑडिटर के किसी भी वर्क को क्वेश्चन किया जाता है तो ऑडिटर कह सकता है कि देखो भाई मैंने तो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से काम किया था और मेरा काम तो बकायदा अच्छे से रिव्यू भी हुआ है, तो दैट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द ऑडिटर। तो यहाँ पे एडवांटेजेस दे दिया कि पीयर रिव्यू का क्या फायदा होगा, पीयर रिव्यू क्यों जरूरी है, तो अगेन थियोरेटिकल आप सिर्फ एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अब उसके बाद थोड़ी सी आईसीएन अपनी तारीफ कर दी है, बोला कि पीयर रिव्यू कितने सारे फायदे हैं, डायनेमिक बिजनेस सोसाइटी के अंदर पीयर रिव्यू इतना जरूरी है, ऑडिट के सर्विस को सुधारने के लिए पीयर रिव्यू इतना जरूरी है, यूजर्स के रिलायंस को इंक्रीज करने के लिए पीयर रिव्यू इतना जरूरी है। लेकिन पीयर रिव्यू के एडवांटेजेस को जानने के बाद भी ज्यादातर प्रोफेशनल बॉडीज ने पीयर रिव्यू के कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया है और हमें गर्व है, हम गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि आईसीआई ने पीयर रिव्यू को ऑडिटर्स के लिए कंपलसरी किया हुआ है, मतलब आईसीआई ने थोड़ी सी अपनी तारीफ कर दी, ओके फाइन। उसके बाद स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, द सेम पॉइंट वाज देयर अर्लियर आल्सो, द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू एम्स टू कन्फाइन द स्कोप ऑफ रिव्यू टू प्रीसीडिंग 3 years, ये पहले भी था कि जो पिछले 3 साल है पिछले 3 साल के पीरियड को ही रिव्यू में कवर किया जा सकता है, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में लिखा है, सिंस दिस वुड एस्टैब्लिश द कंसिस्टेंसी और डिविएशन इफ एनी, ठीक है। तो ये चीज पहले भी था, अब चेंजेस क्या है, लेट अस कम टू द चेंजेस। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, तो टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या क्या आता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते थे, राइट, देन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आते थे, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट आते थे, गाइडेंस आते थे, नोटिफिकेशन आते थे, ऑल द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, द गाइडेंस नोट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट, ये सारा का सारा टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर आता था, सारा का सारा कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये सारा आता था। लेकिन अब क्या हुआ है, चेंजेस क्या है, बहुत स्लाइट चेंजेस है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पहले से था बट अब इंड एएस भी आ गया, अब इंड एएस तो बहुत पहले आ गया था लेकिन टेक्निकल प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के डेफिनेशन में उन्होंने इंड एएस को कवर ही नहीं किया था, तब इंड एएस भी ऐड कर दिया। पहले जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते थे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता था, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन प्रिस्क्राइब करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता था बेस्ड ऑन कंसल्टेशन विद आईसीएआई, बट अब नफरा का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया वहां पे,
राइट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नफरा इज देयर कि नफरा से कंसल्टेशन लेने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। पहले तो एएस रिलेटेड पावर्स, एसएस रिलेटेड पावर्स सारा का सारा आईसीआई के पास था, लेकिन अब वहां पे नफरा आ गया बीच में, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन कंसल्टेशन विद नफरा, तो वो एक स्लाइट मॉडिफिकेशन आ गया पॉइंट के अंदर, इंड एएस ऐड कर दिया है और बाकी आप देखोगे सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द आईसीआई दैट आर एप्लीकेबल फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी दो क्लासिफिकेशन है, एक वो जो कंपनीज एक्ट के तहत प्रिस्क्राइब किया गया है और दूसरा दैट आर एप्लीकेबल फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनीज, तो दोनों पॉइंट कवर कर दिया गया। जब हमने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो बोल दिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन आईसीआई रिकमेंडेशन इन कंसल्टेशन विद नफरा। उसके बाद इंड एएस आ गया, अगेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आईसीआई इन कंसल्टेशन विद नफरा। फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आ गए, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट आ गए, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस, फ्रेमवर्क्स, राइट, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैट्यूट, रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, ये सारा कुछ आ गया। Applicability of peer review. Now this is something very very important because there is a major change. Major change क्या है? पहले आपको याद होगा applicability of peer review के अंदर and periodicity of peer review के अंदर there were three levels of practicing unit. Level 1, level 2 and level 3. है ना? तो लेवल 1 पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट से, लेवल 2 प्रैक्टिसिंग यूनिट से, लेवल 3 प्रैक्टिसिंग यूनिट से, तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया था कि जो टॉप मोस्ट और जो टॉप मोस्ट ऑर्डर जिनके पास है वो लेवल 1 में आएंगे, उसके बाद जो थोड़े कम कैटेगरी के होंगे वो लेवल 2 में आएंगे और बाकी सारे लेवल 3 में जाएंगे, और तीनों का पीरियडिसिटी अलग अलग था। लेकिन अब क्या कर दिया है, तीन लेवल्स को मर्ज कर दिया दो लेवल्स में, यानी अब सिर्फ दो लेवल एग्जिस्ट करती है, एक लेवल 1 एग्जिस्ट करता है और एक लेवल 2 एग्जिस्ट करता है। अब लॉजिकल सी चीज है ना, अगर तीन लेवल्स को दो लेवल्स में मर्ज कर दिया तो कहीं ना कहीं लिस्ट भी भर जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई जो प्रैक्टिसिंग यूनिट एकदम टॉप मोस्ट एंटिटीज को ऑडिट करता है वो लेवल 1 में, फिर लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में, है ना। तो अब उसको दो लेवल पे मर्ज कर दिया, लेवल 1 एंड लेवल 2, और पीरियडिसिटी भी अकॉर्डिंगली सिर्फ अपने को लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से ध्यान रखना है। अब जैसे ये चेंज किया तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, लेवल 1 एंटिटी के कैटेगरी में कुछ नए एंटिटीज ऐड हो गए और सिमिलरली लेवल 2 एंटिटी की कैटेगरीज में भी कुछ नए एंटिटीज ऐड हो गए। जो पहले थे वो अब भी हैं लेकिन कुछ नए एंटिटीज ऐड हो गए, तो जो पहले थे उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो नए ऐड हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे लेवल 1 कैटेगरी में आप देखोगे तो जो भी पॉइंट्स रेड कलर में मार्क्ड है ना, दीज आर दोस हु आर न्यूली एडेड या फिर वेयर देयर इज अ चेंज। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, तो किसी भी प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास अगर स्टैचुरी ऑडिट है उन बॉडी कॉर्पोरेट्स का, एनी बॉडी कॉर्पोरेट का, इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, तो वो भी L1 कैटेगरी में आएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो स्टैचुरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ मोर देन 250 crores एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, यहां पर लिमिट को इंक्रीज किया गया, लिमिट को चेंज किया गया। क्या बोला गया, जिन प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास ऐसी एंटिटीज का ऑडिट है जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा था एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। मान लो रिव्यू हो रहा है 2020 से लेकर 2022 के फाइनेंशियल्स का, तो इस पीरियड के अंदर अगर एक पीयू के पास ऐसी एंटिटी का ऑडिट है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मोर देन 250 करोड़ रुपीज है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिव्यू, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिव्यू, इन दैट सिचुएशन दैट प्रैक्टिसिंग यूनिट विल फॉल इन L1 कैटेगरी। सिमिलरली अगर एक पीयू के पास स्टैचुरी ऑडिट है उन एंटिटीज का जिन्होंने फंड रेज करा है फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ₹50 crore ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, तो अगेन वो पीयूज भी क्या है, L1 में कवर्ड है। या फिर स्टैचुरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज विच हैव रेज्ड डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओवर 50 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, अगर हम लोग तीनों को समराइज करें तो क्या बन जाएगा, कोई भी ऐसा पीयू जिसके पास स्टैट ऑडिट है उन एंटिटीज का जिन्होंने या तो रेज किया है फंड्स फ्रॉम पब्लिक या बैंक्स
या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर मैं कह सकता हूं बाय वे ऑफ डोनेशंस या नेटवर्थ। तो फंड्स के केस में या डोनेशंस के केस में लिमिट क्या है, ग्रेटर देन रुपीज 50 करोड़, और नेटवर्थ के केस में लिमिट क्या है, ग्रेटर देन रुपीज 250 करोड़। At any point of time during period under review, at any point of time during period under review, ठीक है। तो ये PUs क्या है, L1 कैटेगरी में आ जाएंगे, this will come in the L1 categories। तो statutory audit of entities which have raised funds from public or banks or financial institutions of over rupees 50 crore, या फिर statutory audit of entities जिन्होंने donations raise किया है या contributions raise किया है of over 50 crores, या फिर statutory audit of entities जिनका net worth है more than 250 crore at any point of time during the period under review। उसके बाद एक ये वाला point ध्यान रखना, statutory audit of NBFCs as may be defined by the board। ये वाला point आपको L1 category में भी दिखेगा, L2 category में भी दिखेगा, यानी एनबीएफसीज का कैटेगराइज हो जाएगा, कैटेगराइजेशन हो जाएगा, जो कि बोर्ड कैटेगराइज करेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड कैटेगराइज करेगा, अभी तक कैटेगराइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो द पीयर रिव्यू बोर्ड विल कैटेगराइज कौन से एनबीएफसीज, यू नो दैट कैटेगराइजेशन विल बी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो कैटेगराइजेशन होगा कि पीयू अगर इन पर्टिकुलर एनबीएफसीज का ऑडिट कर रहा है तो L1 कैटेगरी में जाएगा, और अगर पीयू इन पर्टिकुलर एनबीएफसीज का ऑडिट कर रहा है तो L2 कैटेगरी में जाएगा। अभी के लिए याद रखना ये पॉइंट दोनों लेवल्स में है। सेंट्रल स्टैचुरी ऑडिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, तो रीजनल रूरल बैंक का सेंट्रल स्टेट ऑडिट जिस पीओ के पास है, दैट विल कम इन L1 कैटेगरी। या स्टैचुरी ऑडिट ऑफ पेरेंट सब्सिडियरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द अबव एंटिटीज, यानी ऊपर लिखे गए जो 12 पॉइंट्स हैं, ऊपर लिखे गए जो 12 पॉइंट्स हैं, इफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट इज द स्टैचुरी ऑडिट ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट एंटिटी, यानी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ एनी ऑफ द अबव एंटिटीज, तो इन दैट सिचुएशन आल्सो L1 कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसा एंटिटी है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, इस पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट तो एक पीयू के पास नहीं है, बट इसकी जो पेरेंट कंपनी है, इसके पेरेंट कंपनी का जो ऑडिट है वो एक पीयू के पास है, तो इवन दिस पीयू विल फॉल इन द L1 कैटेगरी। तो अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है लेवल 2 कैटेगरी। तो लेवल 2 कैटेगरी के अंदर भी कुछ एडिशंस है, जैसे पहला पॉइंट है स्टैचुरी और इंटरनल कॉन्करेंट सिस्टम टैक्स ऑडिट और डिपार्टमेंटल रिव्यू और ब्रांचेस ऑफिसर्स ऑफ ब्रांचेस पब्लिक ऑफिसर्स ऑफ। तो ये पॉइंट तो पहले से भी था कि जिस भी पीयू के पास स्टैचुरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, कॉन्करेंट ऑडिट है, या सिस्टम ऑडिट है, या टैक्स ऑडिट है, या डिपार्टमेंटल रिव्यू है, ऑफ ब्रांचेस ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स, बट यहाँ पे एडिशन क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। यानी याद रखना, अगर सेंट्रल स्टैचुरी ऑडिट है ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, सेंट्रल स्टैचुरी ऑडिट है ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, तो वो पीयू L1 कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऑडिट है, स्टैट, इंटरनल, कॉन्करेंट, टैक्स, तो इन दिस सिचुएशन द पीयू विल गो इन द L2 कैटेगरी। उसके बाद स्टैचुरी ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज एज विल बी डिफाइंड बाय द बोर्ड, आई टोल्ड यू कि वो पॉइंट L1 कैटेगरी में भी है, L2 कैटेगरी में भी है। उसके बाद देखना स्टैट ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ ओवर 5 करोर और एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोर ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। अब यहां पे इस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है सर, यहां पे कह रहे हैं स्टैट ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ ओवर 5 करोर और एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोर। ऊपर नेट वर्थ वाला पॉइंट देखना क्या लिखा था, ऊपर लिखा था स्टेट ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेटवर्क ऑफ मोर देन 250 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, तो वो पीयू L1 कैटेगरी में जाएगा, और L2 के लिए क्या दिया 5 करोड़। यानी अब देखो एंटिटीज का क्या क्या बाइफरकेशन हो सकता है, अगर किसी एंटिटी का नेटवर्थ अप टू रुपीज 5 crore है, तो अगर यहां पे जो नेटवर्थ है वो अप टू 5 crore है, तो सोलली बेस्ड ऑन द नेटवर्थ क्राइटेरिया, सोलली बेस्ड ऑन नेटवर्थ क्राइटेरिया, यहां पे L1 L2 क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, नॉट कैटेगराइज्ड इनटू L1 एंड L2। मैंने क्यों लिख दिया यहां पे सोलली बेस्ड ऑन नेटवर्थ क्राइटेरिया, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया,
हो सकता है किसी दूसरे क्राइटेरिया के तहत वो पीयू L1 या L2 में फॉल कर रहा हो, बट सोलली बेस्ड ऑन नेटवर्थ क्राइटेरिया, इग्नोरिंग अदर क्राइटेरियाज, अगर नेटवर्थ किसी एंटिटी का 5 करोड़ तक है तो वो L1 या L2 कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 250 करोड़ है, तो L2 कैटेगरी में जाएगा। और अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो L1 कैटेगरी में जाएगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज टू बी सीन अंडर द ड्यूरिंग द पीरियड्स अंडर रिव्यू। सिमिलरली आगे चल के आप देखेंगे तो यहां पे नया पॉइंट क्या ऐड किया है, एक तो ऐड किया है यूडिन जनरेटेड बाय द पीयू मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। तो हर एक पीयू को यूडिन नंबर जनरेट करना पड़ता है हर एक रिपोर्ट अपलोड करते वक्त। तो वहां पे पीयर रिव्यू बोर्ड यूडिन के नंबर्स प्रिस्क्राइब कर सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इतने इतने से ज्यादा यूडिन नंबर जनरेट करा तो आप L2 कैटेगरी में आ जाओगे। तो बेस्ड ऑन दैट अगेन द क्लासिफिकेशन कैन बी डन। उसके बाद स्टैचुअरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज विच हैव रेज्ड फंड्स फ्रॉम पब्लिक और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ मोर देन 25 करोड़ रुपीज बट लेस देन 50 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया, अगर उन एंटिटीज को ऑडिट कर रहे हैं जिन्होंने रेज करा फंड्स, और फंड्स रेज करा किससे, फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम पब्लिक पब्लिक बैंक्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अब देखो L1 कैटेगरी में क्या लिमिट था, L2 कैटेगरी में क्या लिमिट है, L1 कैटेगरी में लिमिट है मोर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़, और L1 कैटेगरी में लिमिट था दैट इज मोर देन 50 करोड़। यानी फिर से क्या हो गया, अगर अप टू रुपीज 25 करोड़ है तो अगेन ए पीओ कैनॉट बी क्लासिफाइड, नॉट क्लासिफाइड एज L1 ऑब्लिक L2 सोनली बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। अगर यहां पे ग्रेटर देन 25 करोड़ है बट अप टू 50 करोड़ है तो यहां पे L2 कैटेगरी में फॉल कर गया, और अगर यहां पे ग्रेटर देन 50 करोड़ है तो यहां पे L1 कैटेगरी में फॉल कर दिया। ठीक है, सो अगेन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये तो चार्ट पार्टिकुलरली आपने ध्यान रखना है, भी आप नोट डाउन कर लेना। एंड उसके बाद स्पेशल केस रिव्यू भी पॉसिबल है। व्हाट इज अ स्पेशल केस रिव्यू, तो अगेन हो सकता है किसी पीयू का स्पेशल रिव्यू की जरूरत हो, पीयर रिव्यू बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि किसी प्रैक्टिसिंग यूनिट का स्पेशल रिव्यू का जरूरत है। हो सकता है वो L1 कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, हो सकता है वो L2 कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, बट किसी प्रैक्टिसिंग यूनिट का स्पेशल रिव्यू का जरूरत है, बिकॉज माइंड भी उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का कंप्लेन आ चुका है, उसके खिलाफ कंप्लेन आ चुके हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का केस चल रहा है उसके खिलाफ ICI के अंदर। सो इन दैट सिचुएशन इनके पास पावर है कि ये लोग स्पेशल रिव्यू क्या कर सकते हैं, स्पेशल रिव्यू भी कंडक्ट करा सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और ऐड किए हैं, बोले कि ऐसा प्रैक्टिसिंग यूनिट जो पीयर रिव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ वो लोग भी सुओ मोटो अप्लाई कर सकते हैं टू द पीयर रिव्यू बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स पीयर रिव्यू। तो कोई भी प्रैक्टिसिंग यूनिट जो L1 कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, L2 कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, बट वो दिल से चाहता है कि हमारा भी पीयर रिव्यू हो, हमारे भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एनहांस हो, हमें भी अपनी कंपनियों का पता चले, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं सर, वो लोग भी पीयर रिव्यू बोर्ड को एप्लीकेशन दे सकते हैं, और पीयर रिव्यू बोर्ड को उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए 30 डेज के अंदर एक्ट अपॉन करना होगा, रिव्यू कंडक्ट कराना होगा। सिमिलरली बोला हुआ है एंड ऑडिटी दैट इज द क्लाइंट में ऑल्सो रिक्वेस्ट द बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ पीयर रिव्यू ऑफ द ऑडिटर। हो सकता है कि मान लीजिए मेरे फर्म के पास रिलायंस का ऑडिट है, मेरे फर्म के पास रिलायंस का ऑडिट है या मेरे फर्म के पास टाटा का ऑडिट है, तब तो ऑलरेडी क्या होगा, मैं L1 या L2 कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा बिकॉज दे आर वेरी बिग। बट मैं किसी छोटे प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और वो जो प्राइवेट कंपनी है वो पीयर रिव्यू बोर्ड को रिक्वेस्ट करती है कि हम चाहते हैं सानिध्य सर के भी फर्म का पीयर रिव्यू होए, तो उस सिचुएशन में बोर्ड क्या करेगा, अगेन एक्ट करेगा अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटी अपॉन द क्लाइंट, और 30 डेज के अंदर क्या करेगा, पीयर रिव्यू को इंटरटेन करेगा, प्रोसीड करेगा विद द रिक्वेस्ट। और फिर आगे चल के दिया हुआ है द बोर्ड में विद द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल मॉडिफाई एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया। यानी पीयर रिव्यू बोर्ड कल को ऊपर लिखे गए क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया को मॉडिफाई करना चाहता है तो उसको काउंसिल का अप्रूवल चाहिएगा, यानी ICI का अप्रूवल चाहिएगा, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू,
अगर एक पीयू L1 कैटेगरी में फॉल करता है तो उसका रिव्यू 3 साल में एक बार होगा, और अगर एक एंटिटी L2 कैटेगरी में फॉल करता है तो उसका रिव्यू 4 साल में एक बार होगा। बहुत सिंपल है। पहले जो पीरियोडिसिटी था वो 3 लेवल्स के हिसाब से था, बिकॉज 3 लेवल एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ 2 लेवल्स के हिसाब से है। तो अगर एक पीयू L1 कैटेगरी में फॉल करता है रिव्यू 3 साल में एक बार होगा, और अगर एक पीयू L2 कैटेगरी में फॉल करता है तो रिव्यू 4 साल में एक बार होगा। और यहाँ पे बोला हुआ है कि हाउएवर इफ द बोर्ड सो डिसाइड्स और अदरवाइज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पीयू द पीयर रिव्यू फॉर ए प्रैक्टिसिंग यूनिट कैन बी कंडक्टेड एट शॉर्टर इंटरवल्स। ठीक है ना, या तो पीयर रिव्यू बोर्ड को लगता है कि नहीं यार इस फलाने एंटिटी का रिव्यू 2 साल में एक बार हो जाना चाहिए, या फिर पीयू खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप 3 साल वेट मत करो, हमारा रिव्यू पहले करा लो, तो इन दैट सिचुएशन पीयर रिव्यू कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड एट शॉर्टर इंटरवल्स। उसके बाद आता है पीयर रिव्यू बोर्ड। तो पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर जो टर्म ऑफ मेंबर्स वाला पार्ट है और जो कॉरम वाला पार्ट है, दैट इज समथिंग न्यू। तो बोला गया सबसे पहले पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 12 मेंबर्स होंगे, जिसमें 50% तो काउंसिल से होंगे, ठीक है, दैट इज फाइन। फिर बोला गया है द टर्म ऑफ 2/3 मेंबर शैल बी फॉर 3 इयर्स और द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल व्हिच एवर इज अर्लियर, राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न कि मान लीजिए टोटल बोर्ड में मेंबर्स कितने हैं, मान लीजिए 12 मेंबर्स हैं, तो 12 में से 2/3 मेंबर्स, दैट इज 8 मेंबर्स, इनका जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा, 3 साल रहेगा या फिर एंड ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल व्हिच एवर इज अर्लियर। थियोरेटिकल पर्पस के लिए आपको याद करना पड़ सकता है, और सच अदर पीरियड एज वी प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल। लेकिन जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होगा पीयर रिव्यू बोर्ड का, उनका रोटेशन हर साल होगा बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगेन दिस इज समथिंग यू हैव टू मार्क एज इंपॉर्टेंट कि जो चेयरमैन होगा जो वाइस चेयरमैन होगा उनका रोटेशन हर साल होगा। कैजुअल वैकेंसीज अगर पीयर रिव्यू बोर्ड में राइज होती है तो वो काउंसिल फुलफिल करेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इन द पीयर रिव्यू बोर्ड। बोला गया है पीयर रिव्यू बोर्ड की जब मीटिंग्स होंगी तो कोई भी बिजनेस तभी ट्रांजैक्ट किया जाएगा उन मीटिंग्स में अगर एटलीस्ट 1/3 मेंबर्स ऑफ बोर्ड प्रेजेंट हो, या फिर एटलीस्ट 3 मेंबर्स प्रेजेंट हो इंक्लूडिंग द चेयरमैन, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन वाइस चेयरमैन। तो मान लीजिए लेट अस से टोटल 12 मेंबर्स है पीयर रिव्यू बोर्ड में, तो 12 का 1/3 यानी एटलीस्ट 4 मेंबर्स प्रेजेंट हो या 3 मेंबर्स प्रेजेंट हो, मतलब लॉजिकली एटलीस्ट 3 मेंबर्स प्रेजेंट हो, और इन 3 मेंबर्स में भी चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। इन 3 मेंबर्स में भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का प्रेजेंट होना जरूरी है। मान लीजिए लेट अस से टोटल 60 मेंबर्स है पीयर रिव्यू बोर्ड में, तो 6 का 1/3 दैट इज 2 और 3, तो एटलीस्ट 3 मेंबर्स का प्रेजेंट यहां होना जरूरी है, बिकॉज हर हाल में बोला गया 3 मेंबर्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड अगेन इंक्लूडिंग द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर कोरम आधे घंटे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो भी टाइम मीटिंग के लिए फिक्स की गई है, मान लीजिए 2 PM फिक्स किया गया है मीटिंग के लिए एज ऑन 15th ऑफ दिसंबर, और 2:30 PM अगर मान लीजिए कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। अब मीटिंग जब एडजर्न हो जाएगा तो याद रखना आपने बोर्ड मीटिंग में पढ़ रखा है लॉ के अंदर कि मीटिंग एडजर्न हो जाता है टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। आपने IBC कोड के अंदर पढ़ा हुआ है कि मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू द नेक्स्ट डे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बोला गया मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू ए डेट टाइम एंड प्लेस फिक्स बाय द चेयरमैन और द वाइस चेयरमैन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगले दिन का एडजर्न होगा या फिर अगले हफ्ते तक एडजर्न होगा, जो भी डेट चेयरमैन या वाइस चेयरमैन फिक्स करेंगे उस डेट के लिए एडजर्न होगा। The board shall meet as and when required for transaction of the business before it. However, at least one meeting shall be held in every 3 months. हर 3 महीने में एक मीटिंग होना जरूरी है पीयर रिव्यू बोर्ड का। तो ये कुछ 2-3 चीजें याद रखनी है आपको पीयर रिव्यू बोर्ड के केस में, कि एक तो हर 3 महीने में एक मीटिंग होना जरूरी है पीयर रिव्यू बोर्ड का, और दूसरा अगेन मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए एंड वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कितने कोरम होने चाहिए, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड या फिर 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ वाइस चेयरमैन, और अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा टू द नेक्स्ट डे नहीं नेक्स्ट वीक नहीं टू द डेट टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड बाय द चेयरमैन, और अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन प्रेजेंट है तो वाइस चेयरमैन डिसाइड कर सकता है क्या, नहीं। तो ये भी केस स्टडी बना के पूछा जा सकता है। मान लीजिए एक पीयर रिव्यू बोर्ड का आपको उसने कॉम्पोजिशन दे दिया, इतने लोग हैं, ये है फलाना है, और उसके बाद बता दिया कि इतने लोग कोरम में प्रेजेंट मीटिंग में प्रेजेंट है यानी कोरम प्रेजेंट नहीं है, अब मीटिंग एडजर्न हो रहा है। अब जब मीटिंग एडजर्न हो रहा है तो चेयरमैन के होते हुए भी वाइस चेयरमैन क्या कर रहा है, एडजर्न मीटिंग का डेट टाइम प्लेस फिक्स कर रहा है, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। और एटलीस्ट एक मीटिंग होना चाहिए हर 3 महीने में एक बार। And the board shall submit a report to the council prior to the date of every meeting of the council. तो बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, हर मीटिंग से पहले ICAI को रिपोर्ट करना होगा कि हमारी मीटिंग होने वाली है।
अब देखना जो अगला पार्ट है, एलिजिबिलिटी टू बी ए पीयर रिव्यूअर. नाउ दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स बिकॉज अगेन दिस हैज गॉन थ्रू अ मेजर चेंज, राइट. तो अगेन आई विल टेल यू द कॉमन पॉइंट्स जो पहले भी थे अब भी हैं, और वो पॉइंट्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा जो कि नए एडिशंस हैं. तो देखना, पहले ये लिखा था कि एक पीयर रिव्यूअर बनने के लिए 10 इयर्स का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, मगर अब उस चीज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है. इनफैक्ट सारी की सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है. अब ये कह रहे हैं कि पीयर रिव्यूअर शैल बी ए मेंबर इन प्रैक्टिस जिसके पास एटलीस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो L1 एंटिटीज का और 7 साल का एक्सपीरियंस हो L2 एंटिटीज का. तो L1 और L2 के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है ना. ही शैल बी ए मेंबर इन प्रैक्टिस विद एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर L1 एंटिटीज एंड 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ L2 एंटिटीज. उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगेन ये पॉइंट भी पहले नहीं हुआ करता था. बोला अगर एक मेंबर पहले इंडस्ट्री में काम करता था और रिसेंटली अभी इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में शिफ्ट हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस देखना है एंड अकॉर्डिंगली क्या करना है, प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस देखना है. एंड दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड सेपरेटली फॉर द रिव्यू ऑफ L1 एंटिटीज एंड द रिव्यू ऑफ L2 एंटिटीज. तो क्या बोला यहाँ पे, इन केस ए मेंबर हैज मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस एंड इज करेंटली इन प्रैक्टिस, ही शुड हैव एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री. 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर एंड एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस फॉर L1 एंटिटीज, ठीक है. तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन प्रैक्टिस L1 एंटिटीज का रिव्यू करने के लिए एंड एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years in industry and at least 3 years experience in practice for L2 entities. मतलब इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है, मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस. 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री में, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रैक्टिस में फॉर L1 entities, और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री में, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रैक्टिस में फॉर L2 entities. सो दिस इज द चार्ट यू हैव टू रिमेंबर, बहुत सिंपल है. उसके बाद बोला है अगला पॉइंट पहले भी सेम था, should have undergone the requisite training and cleared the requisite test for peer review. तो अगेन आपको ट्रेनिंग भी लेना होता है, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको ट्रेनिंग भी देना रहेगा. पीयर रिव्यू बोर्ड ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा, तो आपको क्या करना रहेगा, ट्रेनिंग भी देना रहेगा और एग्जाम भी क्लियर करने होंगे. उसके बाद अगला पॉइंट है, अगेन एक नया इंसर्शन है, पहले नहीं था, शुड हैव कंडक्टेड ऑडिट ऑफ L1 एंटिटीज फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स or got his entity audited for at least 7 years which should be a L1 entity to be eligible for conducting review of L1 entities. अब अगेन बोल रहा है कि अगर आप L1 entity का review करना चाहते हो, अगर आप L1 entities का review करना चाहते हो, अगर आप L1 entities का peer reviewer बनना चाहते हो, then you should have conducted audit of L1 entities for at least 7 years. तो जो L1 entities हैं, जो L1 के अंदर entities दी हुई हैं, आपने उनको audit कर रखा है at least 7 years. एटलीस्ट 7 साल का ऑडिट का तजुर्बा है आपके पास, एक्सपीरियंस है आपके पास फॉर डूइंग द ऑडिट ऑफ L1 एंटिटीज, या फिर आपने अपना एंटिटी ऑडिट करा रखा है फॉर एटलीस्ट 7 इयर्स, अपने एंटिटी को ऑडिट करा रखा है फॉर एटलीस्ट 7 इयर्स, विच शुड बी ए L1 एंटिटी टू बी एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग पीयर रिव्यू ऑफ L1 एंटिटीज. तो या तो आपने ऑडिट कंडक्ट किया हो L1 एंटिटी का फॉर एटलीस्ट 7 इयर्स, या फिर अपने एंटिटी का ऑडिट कंडक्ट कराया हो फॉर एटलीस्ट 7 इयर्स, विच शुड बी ए L1 एंटिटी, तब आप L1 एंटिटीज का रिव्यू कंडक्ट कर पाओगे. यानी ये सारा पैरामीटर साथ में फुलफिल करना है, ऑब्वियस सी चीज है. 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए L1 एंटिटीज का, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए L2 एंटिटीज का, राइट. इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में मूव किया है तो अगेन व्हाट इज द क्राइटेरिया, 15 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, 5 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का फॉर L1 एंटिटीज, 10 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, 3 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का L2 एंटिटीज के लिए. उसके बाद ट्रेनिंग आपने कंडक्ट किया हो, एग्जाम पास किया हो, और उसके बाद बोला गया कि आपने ऑडिट कंडक्ट कराया हो L1 एंटिटीज का फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, या फिर अपने एंटिटी का ऑडिट कराया हो फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, या तो ऑडिट आपने किया है L1 एंटिटीज का 7 साल तक, या फिर अपने एंटिटी का ऑडिट कराया है एटलीस्ट 7 साल तक for at least 7 years, जो कि एक L1 entity है, to be eligible for conducting peer review of L1 entities. उसके बाद अगला point same है, कि जब भी आपका appointment reviewer के तौर पे होगा, तो आपको एक declaration submit करना रहेगा, that is prescribed by the peer review board, और एक declaration of confidentiality sign करना रहेगा, because during the peer review process, the practicing unit will give you the working papers, copy of working papers, and in the process, you might get access to the confidential information of the client, and as a peer reviewer, you have to abide by the requirement of confidentiality, कि जो भी PO का client का information आपको मिलेगा, आप किसी और को disclose नहीं करोगे. उसके बाद अगला पॉइंट भी लगभग सेम ही है, ए मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर इफ एनी डिसिप्लिनरी एक्शन इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी, ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट वेदर आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया ऑफ इन्वॉल्व्स ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशमेंट विद इंप्रिजनमेंट, या फिर ही एंड हिज पार्टनर्स और पर्सनल हैज एनी ऑब्लिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत सिंपल है,
देखो भाई सिंपल है, अगर किसी मेंबर के दामन में दाग लगा हुआ है वो रिव्यूअर नहीं बन सकता, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है, या उसको कभी भी गिल्टी ठहराया गया ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट, या फिर उसने मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस किया है, उसको जेल में भेजा गया है, इंप्रिजनमेंट ऑर्डर उसके खिलाफ पास किया गया है, वेदर सच ऑफेंस इज डन इन इंडिया और विदाउट इंडिया, या फिर जो रिव्यूअर की फर्म है उसके या उसके पार्टनर्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है किसी प्रैक्टिसिंग यूनिट के साथ, यानी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो अगेन इन दो सिचुएशंस मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अ रिव्यूअर। लास्ट वाले पॉइंट का एग्जांपल बन सकते हैं, अगेन किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, मे बी समवन इन द कंपनी जिसका जिसके ऑडिटर का रिव्यू होने वाला है इज द रिलेटिव ऑफ ए मेंबर ऑफ द पीयू जो रिव्यू कंडक्ट करने वाला है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ पहले भी सेम था। अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें भी एक माइनर चेंज है, क्या दिया हुआ है, ए रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम द पीयू फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये पॉइंट तो पहले भी था कि जिस दिन रिव्यूअर को अपॉइंट किया गया है टू डू द रिव्यू ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट, वो रिव्यूअर उस प्रैक्टिसिंग यूनिट से कम 2 साल तक कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एडिशन क्या हुआ, फर्दर ही शुड हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट फॉर ए प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर ऑफ ए प्रैक्टिसिंग यूनिट। यानी अब 2 साल पहले का देखना है, 2 साल बाद का देखना है। मान लीजिए 1 दिसंबर 2020 को अपॉइंटमेंट हुआ है रिव्यूअर का, तो अपॉइंटमेंट के डेट के 2 साल बाद यू विल नॉट एक्सेप्ट एनी अपॉइंटमेंट, यू विल नॉट एक्सेप्ट एनी असाइनमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट, एंड साथ ही साथ अपॉइंटमेंट के डेट से 2 साल पहले यू हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी असाइनमेंट, आपने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, तो लॉजिकल और सिंपल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू बी ए पीयर रिव्यूअर के अंदर। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पीयू दिया हुआ है, अगेन थियोरेटिकल आप रीड कर सकते हैं, ज्यादा काम का नहीं है। बोला गया कि प्रैक्टिसिंग यूनिट, अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिव्यूअर मांग रहा है, कोई भी असिस्टेंस मांग रहा है, तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को वो सारा इन्फॉर्मेशन देना है, वो सारा असिस्टेंस देना है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा काम का नहीं है। Right, obligations of the peer review. The reviewer shall not take any extract of the practicing unit's client file or records examined by him while conducting peer review as a part of working papers. And the reviewer shall complete the review within the prescribed time frame. तो बोला गया है कि reviewer क्या नहीं करेगा, कोई भी extract नहीं लेगा practice unit के client's file का या फिर records examined by him का। वो examine करेगा but extract नहीं लेगा, because वहाँ पे confidentiality वाला point compromise होता है। और reviewer क्या करेगा? Review complete करेगा within the prescribed time frame, जो कि normally 90 days है। उसके बाद यहाँ पे एक चेंज है, क्या चेंज है? आपको याद होगा पहले जो ऑनसाइट रिव्यू था, पहले जो ऑनसाइट रिव्यू का ड्यूरेशन था वो क्या था? इट शुड नॉट एक्सेड बियॉन्ड 7 डेज। ऑनसाइट रिव्यू और ऑफसाइट रिव्यू में फर्क क्या होता था? ऑफसाइट रिव्यू इज मतलब कि रिव्यूअर अपने ऑफिस में बैठकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जामिन कर रहा भी होगा, और ऑनसाइट रिव्यू का मतलब रिव्यूअर क्या कर रहा है, प्रैक्टिस यूनिट के फिजिकल प्रीमाइसेस में विजिट कर रहा है और वहां जाकर रिव्यू कर रहा है, वहां जाकर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर रहा है। तो पहले गया बोला गया था कि जो ऑनसाइट रिव्यू का टाइम लिमिट है दैट शुड नॉट एक्सीड 7 डेज, मगर अब लगा कि कभी कभी पीयू का साइज ज्यादा होता है और 7 दिन से ज्यादा कभी समय लग जाता है, तो अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन लेकर आ गया और बोला दिस ऑनसाइट रिव्यू शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 डेज टू 15 वर्किंग डेज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पीयू। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज एडिशन, ये एक एडिशन वाला पॉइंट है। उसके बाद स्टडी मटेरियल में एग्जांपल्स दिया हुआ था, इलस्ट्रेशंस दिया हुआ था कि कब कब एक रिव्यूअर क्वालिफिकेशन दे सकता है, तो उन एग्जांपल्स के अंदर 2 एग्जांपल्स और ऐड किए हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप देखोगे आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 एग्जांपल्स 2 इलस्ट्रेशंस दैट हैज बीन एडेड कि कब रिव्यूअर क्या कर सकता है, क्वालिफिकेशन दे सकता है। तो इसके हो सकता है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, एक केस स्टडी बना के दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताएं इस सिचुएशन के अंदर रिव्यूअर क्या करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन के अंदर रिव्यूअर क्वालिफिकेशन जारी करेगा। अगेन एग्जांपल्स में क्या दिए, इट वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ एंगेजमेंट फाइल्स दैट द स्टाफ डिप्लॉयड लैक्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड वाज इन जनरल इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ वाला जो पॉइंट है। The PU does not have a system of supporting and encouraging its resources to undergo relevant professional education.
necessary to execute audits and moreover there was no evidence in the working paper prepared. तो बोला गया कि स्टाफ जो है untrained है, documentation उनका incomplete है और साथ ही साथ वो working papers अच्छे से maintain नहीं कर रहे. तो ऐसा अगर peer reviewer देख रहा है तो वो qualification issue कर देगा. No evaluation of the control environment of the entities audited was seen to have been done to identify risk due to deficiencies or weakness in the audited entity's internal control in accordance with SS-315. Right. Moreover, no attempt was made to test internal control over financial reporting. तो अपने को पता है कि as per SS-315, the statutory auditor is supposed to identify and assess the risk of material misstatement and understand the entity and its environment. And as per section 143 subsection 3, the statutory auditor is required to report whether the internal control system is working effectively. ठीक है, लेकिन अगर पीयर रिव्यूअर देख रहा है कि स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं हो रहे, ऐसे 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ है ना, नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू टेस्ट इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सो इन दैट सिचुएशन अगेन पीयर रिव्यूअर क्या करेगा, क्वालिफिकेशन रिमार्क दे देगा. फिर उसके बाद आता है पीयर रिव्यू प्रैक्टिस. ठीक है, तो बोला गया ऑन रिसिप्ट ऑफ पीयर रिव्यू रिपोर्ट, जब पीयर रिव्यू रिपोर्ट मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, पीयर रिव्यू बोर्ड को मिल जाएगा. रिव्यूअर ने क्या कर दिया, पीयर रिव्यू बोर्ड रिपोर्ट पीयर रिव्यू बोर्ड को सबमिट कर दिया है. तो बोर्ड क्या करेगा, एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगा टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट. राइट, तो बोर्ड ने क्या किया, पीयर रिव्यू बोर्ड ने क्या किया, एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर दिया टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट कि आपका रिव्यू अच्छे से खत्म हो गया है. और साथ ही साथ नेक्स्ट भी मेंशन कर दिया रिव्यू का कि अगला रिव्यू आपका कब डेट तक आपको कराना है, 3 साल बाद कराना है, 4 साल बाद कराना है, विदिन 3 ईयर्स कराना है, विदिन 4 ईयर्स कराना है, डिपेंडिंग अपॉन द L1 L2 कैटेगरी. ठीक है, तो बहुत सिंपल है यहाँ पे. सबसे पहले क्या हुआ भाई, पीयर रिव्यूअर ने रिव्यू कंप्लीट किया और रिव्यू कंप्लीट करके सबमिट कर दिया पीयर रिव्यू रिपोर्ट टू द पीयर रिव्यू बोर्ड. अब पीयर रिव्यू क्या, रिव्यू बोर्ड क्या करेगा, विद इन 3 मंथ्स सबमिट करेगा सर्टिफिकेट ऑफ पीयर रिव्यू टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट और साथ ही साथ स्पेसिफाई कर देगा नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर रिव्यू. और यहां पे क्या हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगा प्रैक्टिसिंग यूनिट का कि प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्या कराना है, अगले ड्यू डेट से पहले अपना रिव्यू कंप्लीट करा लेना है. दैट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट. और अगर यहां पे मान लीजिए पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर पा रहा, बिकॉज हो सकता है ना कि वहां पे डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है, एंड अगेन वहां पे क्या है कि बहुत सारी कमियां हैं प्रोसेस के अंदर. सो इन दैट सिचुएशन अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जा पा रहा टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि पीयर रिव्यू बोर्ड इन्फॉर्म कर देगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि हम आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर पा रहे एंड दिस आर द रीजंस कि हम आपका सर्टिफिकेट क्यों इश्यू नहीं कर पा रहे. और साथ ही साथ फॉलो ऑन रिव्यू का डेट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि 6 महीने बाद मान लीजिए या 8 महीने बाद मान लीजिए आपका दोबारा से एक रिव्यू होगा, दोबारा से रिव्यू करके हम चेक करेंगे कि आपने अपने प्रोसेस को अपग्रेड किया कि नहीं, आपने अपने प्रोसेस को सही किया कि नहीं, और उसके बाद हम पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे. तो ऑन रिसेप्ट ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड, द बोर्ड शैल विद इन 3 मंथ्स इश्यू अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट मेंशनिंग द नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर रिव्यू एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द पीयू टू गेट इट्स रिव्यू डन बिफोर द नेक्स्ट ड्यू डेट and inform the PU that a peer review certificate cannot be issued along with the reasons thereof as well as inform the practicing unit about the due date for conducting a follow-on review. ठीक है, उसके बाद validity of peer review certificate. अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए जो peer review certificate है ये issue किया गया है suppose मान लो 1 जनवरी 2021 को और इसका जो वैलिडिटी है वो 3 साल है. तो बोला गया है कि बिफोर द वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर्स प्रैक्टिसिंग यूनिट का ड्यूटी बनता है कि वो अपना दूसरा पीयर रिव्यू करवा ले. ठीक है, बिफोर द प्रैक्टिस पीरियड एक्सपायर्स. और यहां पे बोला गया है कि अगर यहां पे ये जो वैलिडिटी का डेट है ये एक्सपायर हो गया, मान लीजिए वैलिडिटी का डेट यहां पे एक्सपायर हो जाता है 1 जनवरी 2024 को, तो उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर दिस डेट ऑल द डॉक्यूमेंट साइन बाय द पीयू शैल बी इनवैलिड, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड माना जाएगा.
अगेन दिस इज बिंग ब्रॉड टू एंश्योर कि प्रैक्टिसिंग ने जो पीयू क्या करा ले अपना रिव्यू करवा ले. तो ये पीयू कैन नॉट कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट हुज वैलिडिटी हैज एक्सपायर्ड. ऑल डॉक्यूमेंट साइन बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट ड्यूरिंग द इंटरवलिंग पीरियड दैट इज एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस सर्टिफिकेट एंड इश्यूएंस ऑफ द न्यू सर्टिफिकेट विल बी इनवैलिड एंड देयरफॉर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट टू कंप्लीट द पीयर रिव्यू ऑफ द फर्म एंड सबमिट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट वन मंथ बिफोर द ड्यू डेट बिफोर द ड्यू ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस सर्टिफिकेट. तो इसलिए पीयू की जिम्मेदारी बनती है कि पीयर रिव्यू कंप्लीट करा ले और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एटलीस्ट एक महीना पहले सबमिट कर दे बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस सर्टिफिकेट. ठीक है. सो अगेन ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. और फाइनली दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू के दोनों में डिफरेंस क्या है. ये डिफरेंस हमने पहले भी डिस्कस किए. नॉर्मली अगर हम पीयर रिव्यू की बात करें तो ये आईसीआई कंडक्ट कराता है, जबकि अगर हम क्वालिटी रिव्यू की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराते हैं. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. दूसरी चीज अगर हम बात करें तो पीयर रिव्यू का जो ऑब्जेक्टिव है वो सीए को पनिश करना नहीं है. इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पीयू. इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज rendered by PU. जबकि अगर क्वालिटी रिव्यू की बात करें तो क्वालिटी रिव्यू का जो ऑब्जेक्ट है यहां पर इट ऑल्सो कवर्स कि अगर errors और इन अगर errors है अगर inadequacies है तो bring disciplinary action against the member. Bring disciplinary action against the member. और उसके बाद अब डिफरेंस आता है कि नॉर्मल पीयर रिव्यू में क्या होता है कि देयर इज अ रिव्यू ऑफ ऑल मेजर ऑडिट्स, जबकि क्वालिटी रिव्यू में क्या होता है रिव्यू ऑफ ऑडिट डन ऑफ सिलेक्टिव क्लाइंट्स. आपने भले 10 ऑडिट कर रखे हैं लेकिन हो सकता है कि 10 में से किसी एक एंटिटी का ही जो आपने ऑडिट करा उसी का रिव्यू होगा. रिव्यू ऑफ ऑडिट डन ऑफ सिलेक्टिव क्लाइंट्स. एंड नॉर्मली ये जो रेंज होता है ना ये 1-3 होता है कि नॉर्मली तो एक ही क्लाइंट का हम चेक करेंगे या मैक्सिमम 3 तक हो सकता है. नॉर्मली ये जो रेंज होता है दिस इज द रेंज. तो दिस आर द डिफरेंसेस इन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू. ठीक है, सिंपल है बहुत. तो पीयर रिव्यू का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय पीयू. क्वालिटी रिव्यू का जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर एरर्स इनएडिक्वेसीज नोटिस हो रहा है तो टू ब्रिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द मेंबर. पीयर रिव्यू आईसीआई कराता है, क्वालिटी रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है. पीयर रिव्यू इट्स रिव्यू ऑफ ऑल मेजर ऑडिट्स एंड क्वालिटी रिव्यू इज रिव्यू ऑफ ऑडिट डन बाय द सिलेक्टिव क्लाइंट्स. ठीक है, तो अगेन दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो नॉर्मली पीयर रिव्यू चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, वन इज लेवल्स ऑफ पीयू. ये जो पूरा पार्ट है एंटिटीज प्लस पीरियोडिसिटी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज एलिजिबिलिटी टू बी अ पीयर रिव्यूअर. फिर आपको ध्यान रखना है ऑन साइट विजिट का जो कॉन्सेप्ट है. यहाँ 7 days to 15 days हो गया. अब पहले से 15 days, पहले से 7 days था. उसके बाद पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वाला पार्ट याद रखना है एंड पीयर रिव्यू वर्सेस क्वालिटी रिव्यू का डिफरेंस याद रखना है. तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग May 21, November 21 एंड आई विल से May 22 एग्जामिनेशंस. एटलीस्ट इन एग्जामिनेशंस के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज दिस आर द न्यू टॉपिक्स और अभी रहने वाला है ये टॉपिक्स, राइट. सो अब आप नोट डाउन कर सकते हो वट एवर यू वॉन्ट. जो भी हमने पीयर रिव्यू के अंदर कुछ नोटिंग करी थी आप भी चाहते सब नोट डाउन कर सकते हो. यू कैन जस्ट पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.